सो सत श्री अकाल जी। कितना सारे लोग उम्मीद करना वधिया होगा तो वधिया ही रहना चाहिए हो। जिस तरह सारे पता लग ही होगा टाइटल तो तुमने देख के कि आज का ब्लॉग किस लगे। आज का ब्लॉग असी सारे जा रहे हैं जथेदार फार्म या तुम कह सकते हो हवेली इन राहुल तो असं उ सारे जाने जा रहे हैं। मैं जिमें ठीक होएगा पिछले ब्लॉग देख के जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा जाके देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा। जिन्हें पिछला ब्लॉग देखा उन्होंने पता लग गया होगा कि मैं अपने नानी घर आया हुआ इसका। तो अज असी जा रहे हैं जथेदार फार्म हवेली भी कह सकते हो तुम। सारे जने तैयार हो गए, मामा मामी सारे भैन भरा असी सारे हैं, छोटी भैन तैयार हो गई है। चलो मामू बैठ के ने अपनी ड्राइविंग सीट पर। चलो हम सारे चलते हैं क्या। जिदा तुम देख सकते हो पहुँच गए असं जथेदार फार्म। इधर स्विमिंग पूल है, किला टाइप बनाया होया, ये पार्किंग है इतने, तो इतने पार्किंग लगाती है। असं सारे पहुँच गए इतने बच्चों ने खेलने वास्ते पार्क, तो अगे वो पिंड टाइप का बनाया हुआ है। चलो तो लैके इतने इदा हवेली बनी हुई जिदा मैं तुम्हें दसिया ही पिंड का बनाया होया, इतने घर बनाए हुए है, सीढ़ी भी बनाई हुई है उपर आने वास्ते। आ देखो इदा का व्यू मिलता इतने, आ भी लाया होया जेड़ा जेड़ा तो पानी वगैरह कढ़ते हैं। आ देखो सो है वै रंगीला पंजाब जो मैं तुम्हें कहा कि पिंड टाइप बनाया है जिते अंदर दीदी घूम भी रहे, पिंड का पूरा बनाया हुआ है तुम देख भी सकते हो। फिर जितों पानी कढ़ते है इदा का भी बनाया है, तो यह जिदा पिंड में घर होंगे है हैं कच्चे घर उदा की मतलब बनाई हुई है। इतने इतने चूल्हा जहा भी बनाया जिथे पहला पुराने जमाने पहला रोटियां बनाई जांदियां सीगियां, इदा स्टोव इदा या इतने इदा फोटो वीडियो बना सकते हो तुम। इदा सारे जने चले गए असीं बाद चों आए हैं। तो इतने आ देखो इदा पहले मतलब पिंडा में इदा का होंदा है। आ इत्थे सूबेदार की हवेली बनाई हुई है। इत्थे भी एक घर बनाया, इत्थे सीढ़ियां बनाई हुई हैं, उपर जाके तुहानूं दिखाने आ किद्दां दा व्यू मिलदा उपर जाके। इत्थे इदां खेत ही खेत ने तुम देख ही सकते हो। इतने जो असी उपर आने तो इदा व्यू मिलता काफ़ी मज़ेदार व्यू। तो काफ़ी सारी असी फोटो वगैरह भी खिंचियाँ जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पाऊँगा। जो तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो थले लिंक मिल जाएगा या फिर आईडी मैंशन मिल जाएगी तुम्हें, तो उसे जाके तुम मेरी आई डी भी देख सकते हो। तो इतने जंज घर बनाया होया, इतने रहता है, तो इस साइड स्विमिंग पूल कर सकते हैं, इतने बैठन का है बनाया होया, इधर है अपना स्विमिंग पूल पहुँच गए पूल से। कपड़े भी चेंज कर ले, जो तुम देख सकते हो कपड़े भी चेंज कर ले हुए हैं। इदा यह सब तो वड्डा गहरा स्विमिंग पूल है। तो इधर जो स्विंग सिंगापुर जिदा होंगे वो है। इधर छोटे बच्चों वास्ते, एक वर्गों वास्ते है, तो साढ़े वर्गों वास्ते। चलो स्विमिंग करते हैं, फिर तुम दिखाने होता है नज़ारा। ना बेटा डूंगा आपे बना लेगा ब्लॉग। जिमें तुम देख ही सकते हो हम मैं आ गया बाहर स्विमिंग पूल से। हम चलते हैं इधर जिधर बनया हुआ फूड लैंड, इधर चलते हैं हम। चलो मैं उधर हूँ, मैं कपड़े चेंज करता तो मैं उधर ही मिल। वॉश बेसिन देखो कितना सोहना सजाया हुआ है। तो एक शीशा है जिससे नीचे का दिखता है। इतों सीढ़ियाँ ने आ सकते हो तुम। सारे बैठे हुए हैं तो चलो ऑर्डर किया है अंदर करना। मंचूरियन रोटी खा के फ्री हो गया हम है। तो हम अभी जा रहे हैं बाहर, देखते हैं थोड़ी देर बैठते हैं गार्डन जो सामने बनया हुआ है। तो थोड़ी देर इतने बैठते हैं तो फिर चलते हैं घर वापस। तो चलो हम पार्किंग वाल जा रहे हैं, तो पार्किंग वाल हम चलो चलते हैं घर अपने वापस। तो घर जाके तुम्हें मैं मिलता हूँ। आ गया घर है, काफ़ी मज़ेदार रहा आज का दिन। बहुत स्विमिंग की, काफ़ी मज़ा किया, पेट करके खा लिया, काफ़ी मज़ा आया। तो इस ब्लॉग में मैं ऐसे एंड करता उम्मीद करता था नया ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगे तो जिन्होंने नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो जाकर सब्सक्राइब करो। जो तुम्हें अच्छा लगे है ब्लॉग तो लाइक करो, जितना भी लगे है ब्लॉग जाके नीचे कमेंट करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।